अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो ये देखिए, तिरंगा पुलाव मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। 15 अगस्त आ रहा है, आप ज़रूर ये बनाएं। और ये ऐसा एक दिन है कि पूरे इंडियन इसे सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कोई भी इस कास्ट का हो या कोई भी धर्म का हो, हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, ये इंडियन फेस्टिवल है। इसको बहुत ही मज़े से मनाया जाता है, घर घर में कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना तिरंगा पुलाव की रेसिपी बताऊं, ताकि आप ये बना के आप फैमिली के साथ में इंजॉय कर सकें। और मेरे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी रेसिपी मेरी देखें। ये पुलाव के साथ में बहुत सारे मैंने करी आइटम भी चैनल पर डाला हुआ है, आप इस करी के साथ भी बना के इसे खा सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखें, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से मैं आपको 15 अगस्त स्पेशल तिरंगा पुलाव बना के बताती हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। मैंने तिरंगा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे चावल को आधे घंटे पहले ही भिगा लिया था। अच्छी तरह से इसको 2-3 बार धो लें, उसके बाद साफ पानी में भिगा लें। मैं इस मेजरिंग कप से 2 कप चावल मैंने इसमें नापा है। आप अपने हिसाब से अपनी घर की चाय की कप से भी मेजर कर सकते हैं। मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी हिसाब से पानी भी ऐड करेंगे। तो अब मैंने गैस पे एक पतीला रख दिया है, गैस को भी ऑन कर लिया है। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद ऑयल डालेंगे। गर्म हो चुका है हमारा पतीला, तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को गर्म होने देंगे। सबसे गर्म होते ही हम इसमें तेल गर्म होते ही हम ऑनियन डालेंगे। इसमें ऑनियन, एक बड़ा साइज का ऑनियन को मैंने इस तरह से स्लाइस कट कर लिया है। हम पहले ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऑनियन डाल देती हूँ। ऑनियन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम को बढ़ा लेंगे, हाई टू मीडियम में रखेंगे और फ्राई करेंगे। जब तक कि हमारा ऑनियन फ्राई हो रहा है, तब तक मैं चावल से पानी को ड्रेन करके चावल को पानी से अलग कर देती हूँ। देखिए, मैंने चावल से पानी हटा लिया है। अब फ्राई होने तक हम फ्राई करेंगे ऑनियन को। ऑनियन देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से। मैं इसको इसी प्लेट में वापस निकाल लेती हूँ। फ्लेम को मैंने स्लो कर लिया है, नहीं तो ज़्यादा ही हमारा जो ऑनियन है वो जल जाएगा। फ्लेम हमारा स्लो है। इसी ऑयल में मैं काजू डाल देती हूँ। इस तरह से 8-10 काजू ले लिया है मैंने। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब निकाल लेंगे हम काजू को भी। अब इसी पैन में हम और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं। फिर ऑयल में हम थोड़े खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। फ्लेम हमने स्लो टू मीडियम रखा हुआ है, तो खड़े मसालों में 1 तेज़पत्ता, 4-5 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 हरी इलायची और इस तरह से 4-5 लौंग। खड़े मसालों को 1 मिनट सौटे करेंगे। अब इसी में ही अपना चावल जो है डाल देंगे। चावल को हम ऑयल के साथ में 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। राइस को मैंने 2-3 मिनट भून लिया है ऑयल में। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी हम उसी मेजरिंग कप में जिसमें हमने राइस नापा था, उसी में पानी में डालूँगी। राइस हमने 2 कप लिया था, पानी हम इसमें 5 कप डालेंगे। अब
अब एक बार हिला लेंगे अच्छी तरह से, फ्लेम को हाई कर लेंगे। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे और एक बार अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हाई फ्लेम में एक बॉईल आने देंगे राइस में, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे मैं बताती हूँ। हमारे राइस में बॉईल आ चुका है, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए किस तरह से बबल्स बबल्स आ रहे हैं। अब इसी टाइम में हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम। अब इसको ढक देंगे और इसका जो पानी है एकदम से खुश्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको और 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से मीडियम फ्लेम में ही हम पकने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, राइस को देख लेते हैं। देखिए राइस का पानी जो है ऑलरेडी थोड़ा खुश्क हो गया है, लेकिन इस तरह से रहना चाहिए हमारा पानी। थोड़ा आवाज़ें भी आ रही है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार और इसको दम में लगा देते हैं स्लो फ्लेम में। फ्लेम को स्लो कर लिया है मैंने। अब इसमें एक लौंग रख देंगे, ये होल बंद हो जाएगा तो प्रेशर बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम मैं क्या करती हूँ इसको और 7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में दम में छोड़ देती हूँ और हमारा राइस बन के रेडी हो जाएगा। 7 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा राइस बन चुका है, बहुत ही अच्छा बना है। देखिए अब इसको हम तिरंगा करेंगे, तिरंगा कलर। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब इसमें हम अपना फ्लैग का कलर ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑरेंज डालेंगे। देखिए ऑरेंज कलर को मैंने इस तरह से पानी डाल के थोड़ा से इस तरह से लिक्विड फॉर्म में बना लिया है। तो मैं एक साइड ऑरेंज डाल देती हूँ। मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ, नहीं तो कलर हमारा जो है ज़्यादा हो जाएगा। देखिए एक साइड मैंने अच्छी तरह से ऑरेंज कलर को इस तरह से मिक्स कर लिया है थोड़े चावल को। अब पतीले के इस साइड में हम ग्रीन कलर डाल देंगे, जो कि ये बहुत फन रेसिपी है। आप मतलब बनाने में आपको बहुत ही फनी लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। देखिए मैं ग्रीन कलर डाल के अब इसको मिक्स कर देती हूँ उसी तरह से। देखिए ग्रीन कलर को भी उसी तरह से मैंने रख दिया है। अब हमने जो ऑनियन को फ्राई किया था उसको हम हर तरफ रख देंगे इस तरह से। अब मैं और एक बार लीड को ढक देती हूँ, फिर 2 मिनट बाद मैं सब करके आपको बताती हूँ कि आप तिरंगा पुलाव को प्लेट में किस तरह से सब करेंगे। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं तिरंगा पुलाव की। देखा ना आपने कितनी आसानी से मैंने तिरंगा पुलाव बनाया, वो भी बहुत ही मज़े का। तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑरेंज कलर। अब रखेंगे व्हाइट कलर। अब इसमें रखेंगे ग्रीन कलर, तभी तो हमारा जो फ्लैग का कलर है वो कंप्लीट होगा और आपको इस 15 अगस्त में बनाने को ये पुलाव और आप खुद खाएं, घर पे देखेंगे तो बोलेंगे वाह क्या बात है, आपने क्या कमाल का पुलाव बनाया है। देखिए तिरंगा पुलाव की प्लेटिंग इसी तरह से करें। उसके बाद में मैं फ्राई किए हुए काजू बीच में गार्निशिंग कर देती हूँ, ताकि ये तिरंगा पुलाव जो है बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो जाइए जल्दी जल्दी बनाइए, इंडिपेंडेंस डे के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन मज़े कीजिए मज़ा। और ये तिरंगा पुलाव
मैंने और एक प्लेट इस तरह से सब किया है। आप पूरे चावलों को एक साथ मिक्स करके उसके बाद प्लेट में डाल सकते हैं। ये भी एक तिरंगा पुलाव के पुलाव ही है। तीन कलर इसमें है। आप चाहें तो इस तरह से भी सब कर सकते हैं। तो फिर मज़ेदार इसी तरह के मज़ेदार रेसिपी के साथ आती हूँ। फिर नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।